जैसे CM2 हो गया, CM2 MTK में सबका बाप होता है, ये याद ध्यान रखिएगा। दुकान पे अपना सेटअप रखो, घर पे भी एक सेटअप रखो, ताकि आपके आसपास के एरिया, अगर आपका घर ज्यादा दूर, अगर मन में खुन्नास है कि करना है, मेरे को जनून है, तो आप लेके कर सकते हो। हमको जनून था, हम लिए, हम काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट टूल आपके हिसाब से कौन सा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के मास्टरमाइंड है, सॉफ्टवेयर का ये ऑल इन वन है हमारे एरिया के, तो ये बताएंगे। मैं भी गए, आपको सीखने गए, पैसा दे दिया, वहाँ जाने के बाद आपको लगा कि मैं वहाँ से भगवान बन के आ जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नहीं होगा, थोड़ा सा इसे अलग होगा। और आज हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं जो कि हमारे एरिया के, जैसे हम जिस एरिया में अपना शॉप खोल के रखे हैं, इस एरिया में सबसे बेहतर रिपेयरिंग शॉप, मतलब हमसे भी बेहतर रिपेयरिंग शॉप है, जिनको आज हम मतलब एक तरह से कहिए तो एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। छोटा सा हम एक लिस्ट तैयार किए हैं छोटा सा, जिससे हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनसे हम पूछेंगे। और जो लोग नया मोबाइल का शॉप खोलना चाहते हैं, या फिर जो लोग मोबाइल दुकान पहले से खोल रखे हैं, या फिर कोई भी हो, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, यकीनन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये लगभग 9 या 10 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला हमारा क्वेश्चन है कि मोबाइल बनाने समय, मतलब हम जब मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा, तो आज हम इनसे जानेंगे कि मोबाइल, पहला हमारा क्वेश्चन है कि मोबाइल बनाते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बताइए, हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, किसी दुकान में जाके सीखना पड़ेगा, या तो किसी इंस्टीट्यूट में पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद अपने को दुकान में काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरा जानने का मतलब है कि जैसे हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, उस समय दिक्कत क्या क्या आता है आपको, जैसे हम रिपेयरिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम किस किस चीज़ का हमें सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का? बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। चार्जिंग में अगर नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं अपन लोग। अगर सर्किट का नॉलेज रहेगा तो आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर वैसे ही नॉर्मल चार्जिंग पिन लगा लोगे, प्रिंट उखड़ जाएगा तो नहीं आप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेना, हैंड स्किल भी होना चाहिए। मेरा मेनली क्वेश्चन था परेशानी के बारे में, तो जैसे मैं पूछना चाहता, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं मोबाइल रिपेयरिंग, तो होता क्या है एक्चुअली कि थोड़ा सा इस पे मैं भी अपने तरफ से कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा कि जैसे अब मान लो आप अगर शॉप में अकेले हो, अकेले शॉप में क्या होता है, हम बैठे हैं, बीच में कस्टमर आएगा, वैसे ही आप रिपेयरिंग का काम करना शुरू करना चाहते हो, आपके बीच में कस्टमर आ गया, तो ऐसे में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ के बैठे बैठे जो शरीर है ना वो अकड़ जाता है, क्योंकि जो रिपेयरिंग का काम है ना वो ऐसा नहीं है कि हड़बड़ तड़बड़ वाला नहीं, बहुत ही आराम से करना पड़ता है और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। तो इसमें क्या है, पूरे शरीर को एक तरह से कई जगह पे तो हमें सांस रोक के भी काम करना पड़ता है, तो ऐसा सिचुएशन भी फेस करना पड़ता है। तो अब दूसरा हमारा क्वेश्चन था, मोबाइल दुकान खोलने के लिए कोई डिग्री वगैरह चाहिए क्या? कोई डिग्री लेना पड़ेगा? नहीं, डिग्री तो, मतलब कुछ पढ़ा लिखा रहना चाहिए आदमी, 10वीं पास रहना चाहिए, 8वीं 10वीं, थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, ताकि सर्किट का नॉलेज उसमें जो लिखा रहता है उसमें पढ़ना, BBS क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये सब आपको पहले से नॉलेज, रजिस्टर कितना ओम का है वो भी पता करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि उसको समझ में आए सारी चीजें, कि IC कौन सी है, आपको ये सब पता करना पड़ेगा। तो आपको पढ़ा लिखा जरूरी है, मतलब थोड़ा बहुत समझने के लिए पढ़ना लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ गवार आए और सीधा बैठ के सीखने लगे, तो नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मोबाइल दुकान खोलने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे भी चाहे तो ऐसे खोल सकते हैं क्या? ऐसे तो नहीं, आप तो टूल तो खरीदना पड़ेगा, टूल लेना पड़ेगा आपको, SMD लेना पड़ेगा, आयरन लेना पड़ेगा। मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट मान के चलिए? आपको नॉर्मल काम करना है तो आपको 15,000 से 20,000 में हो जाएगा आपका काम, अगर खाली रिपेयरिंग वो करना है तो 5,000 का चार्जिंग माइक खरीद लोगे आप, उसमें उतना का काम कर लोगे, छोटा पार्ट्स वगैरह 10-15-20 हजार का कंप्लीट अब सेटअप रहेगा, तो उसमें छोटा छोटा सारी चीज़ आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ हम बताए हैं नॉर्मली, अब आप कहीं दुकान लेके करना चाहते हो तो दुकान में तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, दुकान में आपका किराया, भाड़ा, पगड़ी, ये सब चीज़ों को हटा के हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सेटअप के बारे में हम बात किए हैं। जैसे आप चाहो तो घर में भी अपना सेटअप करके रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल दुकान खोलने के लिए क्या जरूरी है, पहले कहीं से सीखा हुआ का होना चाहिए कि डायरेक्टली जाके खोल सकते हैं हम, और अगर कहीं सीखना है तो क्या करना चाहिए, बेसिक से बताइए हमको, डायरेक्टली इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें कि क्या करें? नहीं, सबसे पहले आपको किसी दुकान में जाके काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, वहाँ पहले चार्जिंग माइक क्या होता है, किस माइक क्या काम करता है, स्पीकर क्या काम करता है, कस्टमर से बात करना है, कैसे क्या करना है,
अपने कस्टमर से बात नहीं कर पाएंगे तो अपन काम नहीं कर पाएंगे, सबसे मेन है। और दूसरा चीज है कि हमारे की दुकान ऐसे गए, आप इंस्टीट्यूट में पैसा फेंक के बस आ गए, आप इंस्टीट्यूट में भी गए, आपको सीखने गए, पैसा दे दिया, वहाँ जाने के बाद आपको लगा कि मैं वहाँ से भगवान बन के आ जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। तो आपको मेहनत, वहाँ से सीखने के बाद आपको उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, आपको उस चीज को गौर करना पड़ेगा, तब होगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोबाइल दुकान में माइक्रोस्कोप कितना जरूरी है आपके हिसाब से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? माइक्रोस्कोप अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो काम करना चाहता है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई आईसी लेवल चिप लेवल पे रिपेयरिंग करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और मान लीजिए जिसके पास बजट है, आईसी रिपेयरिंग वगैरह नहीं जानता है, वो चाहे तो ले सकता है, छोटा मोटा जम्पर में तो उसको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, काम फास्ट कर पाएगा। अगर उसका इच्छा है तो ले सकता है, पैसा है, बजट है, तो आप लेके काम कर सकता है, नहीं है तो फिर अपना नॉर्मली काम कर सकता है, जब हो तब ले ले। अगर मन में खुन्नास है कि करना है, मेरे को जनून है, तो आप लेके कर सकते हो। हमको जनून था, हम लिए, हम काम कर रहे हैं, पीछे पड़ा हुआ है। कभी कभी देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो सेटअप टूर भी दे देंगे, इनके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिपेयरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोबाइल दुकान में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हैं अपन, अगर कोई बंदा मोबाइल दुकान खोलता है तो? डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में खोल रहा है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी अंदाजा। आपको मार्केट में खोलोगे तो ठीक रहेगा, अगर कहीं छोटा मोटा शहर में खोलोगे तो 200-500 आपका 1000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। अगर सिटी में खोलोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें ज़्यादा कमा लोगे आप। और आप कस्टमर के हिसाब से, आप कस्टमर कैसे डील करते हो, आपके कस्टमर कैसे बने हैं, उसके हिसाब से भी हो सकता है आपका काम। क्वेश्चन है मोबाइल दुकान किस एरिया में खोलना चाहिए था, तो बता ही दिए। अगर आप जितना अंदर एरिया में खोलोगे उतना ही आपको मतलब जितना ज़्यादा मतलब आप पब्लिक एरिया में खोलो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मार्केट में खोलोगे उतना पैसा पगड़ी ज़्यादा देना पड़ेगा दुकान का, लेकिन आपका होगा क्या, कंपटीशन भी वहाँ रहेगा और आपका पब्लिक का टकराव बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये भी चीज़ देखना रहेगा। हाँ, ये कर सकते हो आप कि अंदर गांव से अपना फ़ोन वगैरह दुकान पे अपना सेटअप रखो, घर पे भी एक सेटअप रखो, ताकि आपके आसपास के एरिया, अगर आपका घर ज़्यादा दूर है तो, अगर आसपास है ज़्यादा दूर नहीं आपके दुकान से तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट टूल आपके हिसाब से कौन सा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के मास्टर माइंड है, सॉफ्टवेयर का ये ऑल इन वन है हमारे एरिया के, तो ये बताएंगे। सॉफ्टवेयर में मैं कैसे क्या बताऊं कि कौन सा टूल है, सब अपने हिसाब से, सब अपना काम करते हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब अपने अपने जगह पे ठीक है। कोई ऐसा होता है कि होता ही नहीं है, सब टूल रखने के बाद भी हमारा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि जो अभी मार्केट में चल रहा है, मान लीजिए UMT चल रहा है, अनलॉक टूल चल रहा है, CM2 चल रहा है, ये क्या नाम है इसका आपका, एक कौन सा है, TFM, हाँ TFM चल रहा था, ये सब में अगर सबसे थोड़ा सा मतलब एक को जैसे परसेंटेज दिया जाए तो सबसे बेस्ट थोड़ा बहुत जो ऊपर हो सबके आगे। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको काम करना है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप सबसे पहले UMT ले लो, और उससे आगे अगर और जैसे आप से मोबाइल के हिसाब से देखो कि किस हमारे एरिया में कैसा सेट आ रहा है, उस हिसाब से आपको जैसे CM2 हो गया, CM2 MTK में सबका बाप होता है, ये याद रखिएगा, CM2 बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात है CM2 सेट को डेड नहीं होने देता है, आइडेंटिफाई पहले करना है आपको, फिर उसके बाद अनलॉक करना है, डेड नहीं होने देगा आपका सेट, ये है काफी अच्छा चीज़। ये सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का, आप लोग ध्यान रखिएगा CM2 यूज करने वाले जो लोग नहीं करते। आप उसमें हेल्थ भी रिपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि आईसी के लाइफ टाइम कितना यूज हो, CM2 का प्राइस क्या है ये बताएंगे जरा। CM2 का प्राइस होगा 4800 के आसपास था, मतलब डोंगल के साथ एक साल का रिचार्ज मिलेगा, उसके बाद मैं 2 साल का करवाया था तो मेरे को 4800 की 4500 कुछ पड़ा था अभी तक में रिचार्ज। अगर उसमें रिचार्ज आप करा लेते हो तो आप जितना वर्जन है आप चला रहे हो वहाँ तक आपका टूल चलेगा। अब आपको आगे का टूल जैसे यूज करना है, जैसे आगे का कोई नया वर्जन आ गया तो वो वर्जन नहीं आपका चलेगा, क्योंकि उसके पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब आपका CM2 आगे अपडेट होगा, तब वो वर्जन पे चलेगा। ये कहना चाहते हैं कि जो CM2 है वो अगर मान लीजिए आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपका जो वर्जन चला रहे हो वो आपका रिचार्ज के बाद भी चलता रहेगा, नया वर्जन अगर आपका आ गया है तो आप उसको अगर चलाना चाहते हो तो फिर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो आप रिचार्ज खत्म भी हो जाता है तो पुराना वाला जो वर्जन से आप काम कर रहे थे वो करते रहो, एक ये खासियत है इस टूल का।
अच्छा चलिए लास्ट मेरा क्वेश्चन है, दुकान खोलने और बंद करने का टाइम बता दीजिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। 8:30 बजे खोल लो या तो 9 बजे, 9 बजे जहाँ तक खोल लो आप, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक बंद कर लो। तो ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर इस क्वेश्चन का जो लिस्ट हमने बनाया था इसमें कुछ छूट गया हो या फिर आप कुछ अलग से जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो हमारा चैनल, मतलब हमारे चैनल का पहला वीडियो था जिसमें हमने किसी से बात करके कुछ डील करने की कोशिश किया था, तो इसमें हम थोड़ा नए हैं, तो अगर कोई त्रुटि हो गई हो हम लोग से तो उसके लिए भी हम आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आपको कोई भी कमी लगी होगी तो आप लोग जरूर सेटअप टूर इसी वीडियो में आपका, ये खुद जब इस दुकान को अच्छे से सेट कर, अभी तो पूरा बिखरा पड़ा है इनका सामान, जिस दिन सेटअप होगा उस दिन इनका सेटअप टूर दे दूंगा जिसमें क्या क्या यूज करते हैं टूल्स वगैरह ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।